आप सबको मालूम है कि सरकार आपकी है, उसने भी सरकार बनते ही हमने मीरों के राजस्थान का एक कैंपेन शुरू किया था। डॉक्टर डीवी शेट्टी को बुलाया बेंगलोर से, नान हजारे के वाले बहुत एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शिव सेन आए थे दिल्ली से, शिव के एक्सपर्ट हैं। अपोलो के डॉक्टर आए थे और हमने एक शुरुआत करी थी, पर अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। पर क्योंकि पिछली बार आपके आशीर्वाद से मैं जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने शुरुआत कर की थी, फ्री टेस्ट शुरू किए थे, डायलिसिस भी फ्री किया था। तो वो एक दिमाग में धुन थी कि इसको आगे बढ़ाना मुझे। और मुझे तीसरी बार जब अवसर मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, तो उस काम को मैंने सबसे पहले हाथ में लिया और हम लोगों ने स्कीमों को जोड़ा। हमने जो भामाशाह पहले चल रहा था, आयुष्मान भारत चल रहा था देश के अंदर, दोनों की कैटेगरी अलग अलग थी। एक सोशो इकोनॉमिक जो है सेंसस किया गया था यूपी गवर्नमेंट में, उसके आधार पर चल रहा है आयुष्मान भारत 5 लाख का। भामाशाह पिछली गवर्नमेंट की खुद की स्कीम थी, प्रति 5 लाख तो वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उनके लिए थी। हम दोनों को जोड़ा 10-15 लाख लोग ज़्यादा बढ़ गए थे, उससे शुरुआत करी मैंने। बाद में हमने उसको 10 लाख का बीमा किया, जो देश में कहीं पे भी नहीं 10 लाख का बीमा। अब आपके आशीर्वाद से उसको 25 लाख का बीमा कर दिया। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कितने पैसे खर्च होते, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ सोच नहीं सकता। 10 लाख का बीमा था तब भी हमने 10 लाख के अलावा, आप सबको मालूम होगा शायद, 10 लाख का अलावा भी हमने छूट दे रखी थी कि किसी के घर में तकलीफ आ गई किडनी ट्रांसप्लांट की या लीवर ट्रांसप्लांट की। मैंने देखा अच्छे से परिवार के मिलने वाले भाग जाते अस्पताल से, कौन तो लीवर देगा, कौन मदद करेगा, 25 लाख का खर्चा, 20 लाख खर्चा है। तो हमने छूट दे रखी थी कि उस 10 लाख के अलावा भी, 10 लाख में 4 लाख खर्च कर दी मान लो आपने, 6 लाख बचे गए हैं, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए आपके परिवार में। और लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, इसका 10-20 लाख जो भी हमारा पैकेज बनवा दे 25 लाख का, उसका अब अलग मिलेगा, 6 लाख बचे रहेंगे। यहाँ तक मैंने बताया, अब तो 25 लाख कर दिया, पहले की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैकेज जरूर बने हुए हैं, अब कोई कह मैं चेन्नई में जाऊंगा या बेंगलोर जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, वहाँ करूंगा इलाज। अभी मैंने बजट में और छूट दे दी है, जो पैकेज बना हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट का, मान लो 20 लाख का बना हुआ है, 15 लाख का बना हुआ है, उस लिमिट तक वो अगर पैसे वाला है, जहाँ जाए बॉम्बे जाए और कहीं लंदन जाओ, हमें ऐतराज नहीं, हम अपना पैकेज देंगे उसको। बाहर भी पैकेज देना मैंने अलाउ कर दिया अभी हाल ही के अंदर। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार की मंशा जो है, दुर्घटना बीमा उसके साथ है, चिरंजीवी योजना के साथ दुर्घटना बीमा भी है। पहले 5 लाख का था, हमने अनुभव किया अभी जब बरसात आई थी, कई लोग बह गए थे, तो देखा कि एक परिवार के 2 बच्चे बह गए और एक परिवार का 1 बच्चा साथ बह गया। एक बच्चा बह गया उसको 5 लाख मिले चेंज योजना से, और दूसरे परिवार को 5 लाख ही मिलते, 2 बच्चे बह गए थे। हमने कहा कि ये लोगों को लगता है मेरे को 2.5 लाख ही आएंगे और जिनको मेरे पड़ोस में मर रहे उनको 5 लाख आ गए। तभी मैंने व्यवस्था करी कि 5 लाख का मैंने दुर्घटना बीमा 10 लाख का कर दिया परिवार के लिए भी। कहने का मतलब हर छोटी सी बात का ख्याल रखें, हम लोग स्कीम को मजबूत करें, समय लगेगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर जो मनीष व्यास जी ने शुरू किया है, यहाँ तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कई हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो कई तरह नखरे कर रहे हैं। अब नखरे करना नहीं चाहिए उनको, वो पैसा कमाते हैं और ये तो सेवा है। आपको शायद मालूम होना चाहिए,
संविधान के अंतर्गत भी शिक्षा और स्वास्थ्य वो कमाने के लिए नहीं है, वो कमाने के लिए नहीं, इसीलिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, सोसाइटी बनती है, पैसा कमाओ तो उसी में लगाओ, ये भावना असली है। वो अलग बात है कि लोग पैसे को और भी जगह उपयोग करते होंगे, पर भावना ये है। तो कम से कम उनको आगे आकर के सरकार की मंशा है सेवा करने की, उस पर सहयोग करना चाहिए।